हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX वाइव वंस अगेन। आज जो हम देखने जा रहे हैं अपनी ऑन गोइंग सीरीज़ है न्यूक 101, उसका फोर्थ पार्ट हम देखने वाले हैं। आई नो काफ़ी ये वीडियो डिले हो गई है, कॉज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और बहुत जल्दी में ही मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा रेंडर क्वालिटी को मैं उतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ है। जस्ट मेरा ये पर्पज़ था कि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके से लाइव और CG का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो होपफुली मैं इस सीन को दोबारा से रेंडर करना चाहूँगा और दोबारा से रेंडर करके मैं फुल फ्लेज एक परफेक्ट कॉम्प बनाने की कोशिश करूँगा। बट ये वीडियो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके कि हाँ किस तरीके से हम लाइव CG का इंटीग्रेशन करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक क्विक रिकैप दिखाना चाहूँगा। मैं लास्ट टाइम हमने यहाँ पे किया था कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने क्लीन अप की थी और कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की थी, जैसे ये चीज़ें हमने ऐड की थी और यहाँ पे कुछ क्लीन अप भी किया था, ग्राउंड पे क्लीन अप किया था, यहाँ पे क्लीन अप किया था। और मैंने जब ये लास्ट थर्ड पार्ट मैंने बनाया था तो मैंने बोला था कि मैं हम लोग कुछ इसमें CG एलिमेंट्स ऐड करने वाले हैं, प्रोबेबली ऐसा सा कुछ कैम या कुछ और, बट मुझे लगा ये बहुत छोटा एलिमेंट है तो समझ में नहीं आएगा। सो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं यहाँ पे मैंने कार ऐड करने की कोशिश करी है, जो बहुत ही बेसिक लाइटिंग करी है मैंने। लाइटिंग आई नो बहुत परफेक्टली मैच नहीं है, बट जस्ट टू शो यू हाउ वी कैन डू इट। मैं माया में अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा, उसका मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोग को ज़रूरत रहेगी तो डेफ़िनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि माया में कैमरा कैसे लेके गए, माया में किस तरीके से हम लोगों ने मॉडल इंपोर्ट किया, किस तरीके से लाइटिंग की। थोड़ी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर आर्नोल्ड रेंडरर यूज़ किया है टू रेंडर दिस सीन, और इसमें बहुत मैंने लिमिटेड पासिस निकाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफ्यूज़, डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट और डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन, और कुछ यूटिलिटी पासेस भी निकाले हैं, पॉइंट पोजीशन पास और नॉर्मल पास निकाले हैं, फिर स्पेकुलर है, फिर डेप्थ मैप है अपना, रॉ शेडो है और अपना ये कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन है, जो ऑक्लूजन बोलते हैं बेसिकली, और यहाँ पे हम लोग के पास अल्फ़ा की भी इंफॉर्मेशन है। तो बहुत बेसिक और बहुत ही मैंने कम टाइम में रेंडर निकाला है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ 25 फ्रेम ही रेंडर किया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं कुछ 25 फ्रेम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, ताकि मैंने उतना ही रेंडर किया है। डेफ़िनेटली मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको फिर से रेंडर करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे 25 फ्रेम में आपको एक मूवमेंट समझ में आ जाएगी, बेसिकली किस तरीके से मूवमेंट है, जो कैमरे की मूवमेंट है हमारी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी और चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने अलग अलग लेयर्स पे रेंडर निकाले हैं, बट मैं थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ, जैसे अपना EXR मल्टी लेयर्ड EXR काम करता है, उस तरीके से मैं थोड़ा प्रीफर करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने अपने ब्यूटी पास में सारे के सारे जो एसोसिएट पासेस हैं, मैंने उनको रेंडर मतलब एक साथ मर्ज कर लिया लेयर में। वो किस तरीके से किया है, आप अगर आपको ऐसा कुछ यूज़ करना है तो आप जा सकते हैं शफल कॉपी पे, बहुत आसान है। शफल कॉपी में दो इनपुट्स रहते हैं, एक इनपुट नंबर 1 और एक इनपुट नंबर 2 और एक आउटपुट रहता है। तो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी है उसको 2 नंबर इन्फॉर्मेशन में दें, और जिसको कॉपी करना है आप उसको 1 में दें। बट यहाँ पे कुछ अभी आप देख रहे हैं कुछ हुआ नहीं। क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना है कि आप RGB और अल्फ़ा को कॉपी करो, बट किस चैनल में, आप यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ से एक न्यू चैनल बनाएंगे, जिसको मैं बोल देता हूँ प्रोबेबली डिफ। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया हमारा, ऑलरेडी डिफ्यूज़ बना हुआ है इसलिए वो ले रहा है, बट डिफ बोलता हूँ। और यहाँ पे आप बोलो चैनल्स ऐड कर दो, जस्ट हिट ओके। आपका क्या होगा, आप बोलोगे कि यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसा ये दिख रहा था वैसा ये दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक अलर्ट चैनल ऐड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड डिफ, राइट। तो सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पर RGB को कॉपी कर लें नए चैनल में। इस तरीके से मैंने क्या किया है, आप सारे पासिस मैंने एक साथ मैंने एक मल्टी EXR बना लिया है। अगर मैं लेयर कॉन्टेक्ट शीट दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से मेरे को सारे पासेस यहाँ पे मिल रहे हैं, क्लियर। सो अभी क्या करेंगे, बेसिकली अभी हम शेडर्स को रीबिल्ड करेंगे।
राइट, जिस तरीके से हम लोग को पासेज यूज़ करने हैं उस तरीके से हम शेडर को रीबिल्ड करेंगे। बहुत आसान है, बहुत फटाफट से बनाता हूँ मैं। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी मैंने डिटेल में काम नहीं किया है, बहुत जल्दी मैंने काम किया है क्योंकि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि इतना डिले मत करो, और बहुत रिक्वेस्ट, बहुत मेल, बहुत कॉल्स भी आई हैं मेरे को। इसके लिए मैंने फटाफट जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव टू ऐड आवर व्हाट वी कैन से ऐड आवर सीजी इनटू लाइव। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी क्या है, अभी हम शेडर्स को रीबिल्ड करना शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान होता है शेडर्स को रीबिल्ड करना। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डिफ्यूज़। तो डिफ्यूज़ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक शफल नोड लेना पड़ेगा। बहुत आसान सा है ये, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मल्टीपास कंपोजिटिंग में भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिफ्यूज़, राइट। तो ये आपका यहाँ पर डिफ्यूज़ पास मिल गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफ्यूज़ के साथ मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं डिफ्यूज़ के साथ यूज़ करना चाहूँगा लाइट के सारे पासेस। पहले आप एम्बिएंट ऑक्लूजन भी यूज़ कर सकते हैं, आप आपकी इच्छा है आप लाइट के पासेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरीके से थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, मैं लाइट के पासेस यूज़ कर रहा हूँ। मौज लेंगे और मौज में हम यहाँ पर आपका डिफ्यूज़ के ऊपर मैंने लगाया आपका लाइट, और हम इसको यूज़ करेंगे प्लस ब्लेंडिंग मोड में, राइट। नॉर्मली हम जब मल्टी पास कंपोजिटिंग करते हैं तो हम दो या तीन तरीके के ही पासेज यूज़ करते हैं टू मर्ज ऑल लेयर्स, दैट इज़ स्क्रीन ईदर प्लस और मल्टीप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन। सो यहाँ पे एक लाइट पास यूज़ करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड शफल वन मोर टाइम। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लाइट के बाद इनडायरेक्ट लाइटिंग यूज़ करूँगा, जो मैंने HDRI लाइटिंग यूज़ की थी उससे जो इनडायरेक्ट पासेस मिले हैं मेरे को। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन सिंपल, आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन प्लस मोड, राइट। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक अ रूट पाइपर, एंड after taking root piper I am going to use another shuffle, and in that particular shuffle what I am going to do, I am going to use indirect reflection probably, or before आप यूज़ कर सकते हो, आप इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अलग अलग लेयर्स इसलिए की हैं ताकि मेरे को कंट्रोल मिल सके। मैं यहाँ पर प्लस यूज़ कर लूँगा। After that, again what I'm going to do, I'm going to use take another shuffle node. बहुत ही basic तरीके से मैं comp बता रहा हूँ, मैं कोई high fundo technical terms use नहीं कर रहा हूँ, simple मैं merge करते जा रहा हूँ, और उस तरीके से आपका comp यहाँ पर shader rebuild होते जा रहा है, ठीक है। बाद में कोई correction की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग correction करेंगे, ठीक है। ये plus use करेंगे। So हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ से मैंने लाइट की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चालू कर दिया। तो थोड़ा बहुत मेरे को लाइट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू जस्ट टू शो यू बेटर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे मैं एक मर्ज लेता हूँ और इस मर्ज को मैं अपने पासिस के कॉम्प में ऐड करता हूँ यहाँ पर। और इस मर्ज से व्यू करते हैं तो एक प्रॉब्लम आएगी, ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा, क्यों, आई शो यू व्हाई। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम पासेस तो यूज़ कर रहे हैं बट यहाँ पे अल्फ़ा की इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने को, ठीक है। अल्फ़ा की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से क्या है, आपके पासेस ऐसे ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर मर्जिंग दिस टू आवर बैकग्राउंड वी हैव टू कॉपी आवर अल्फ़ा टू आवर मेन स्ट्रीम, राइट। वी हैव टू कॉपी आवर अल्फ़ा टू मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पर मेरा अल्फ़ा है, मैंने एक कॉपी नोट लिया और कॉपी नोड लेके यहाँ पे मेन स्ट्रीम में मैंने कॉपी कर दिया, राइट। थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जस्ट आई एम गोइंग टू अरेंज इट, और अब देखते हैं अपना रिजल्ट कैसा दिख रहा है, राइट।
तो यहाँ पे आप परफेक्टली देखो अल्फा से क्या फर्क पड़ा, राइट? हमने अल्फा कॉपी कर दिया, इसमें तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट? और भी इसमें पासेज हैं हमें यूज़ करने को, लाइट के पासेज के अलावा है और भी बहुत चीज़ें, जैसे स्पेकुलर पास यूज़ कर सकते हैं हम लोग, रॉ शेडो यूज़ कर सकते हैं, और कुछ जैसे रीलाइट वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो हम पॉइंट पोजिशन और नॉर्मल पास भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू अस, राइट? सो यहाँ पे मैं और क्या ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं अभी स्पेकुलर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक शफल वंस अगेन, अरेंज करते हुए चलते हैं फाइल्स को, और इसमें हम यूज़ करेंगे स्पेकुलर, ठीक है? स्पेकुलर को भी अगेन हम लोग प्लस मोड में यूज़ करेंगे, और मुझे लग रहा है अभी अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हमारी इन्फॉर्मेशन कार हमारी ब्राइट दिख रही है, तो हम कोई भी ऑप्शन को, कोई भी, इनफैक्ट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, कोई भी ऑप्शन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मेरे को लग रहा है कि ये स्पेक बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, राइट? तो आप दो तरीके हैं, या तो यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे आप, यहाँ के ब्लेंडिंग मोड में, और ब्लेंडिंग मोड को कम कर देंगे यहाँ से, सिंपल। इफ़ यू कैन सी, आप यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग मोड को कम ज़्यादा करने से आपको स्पेकुलर कम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं, मेरे को लगता है कि इतना परफेक्ट रहेगा, ठीक है? ओके, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ें ऐड कर ली हैं, बट अभी क्या मिसिंग है, आपका कॉन्टेक्ट शेडो मिसिंग है, राइट? तो वो किस तरीके से हम ऐड करेंगे कॉन्टेक्ट शेडो को, वो देखते हैं। तो कॉन्टेक्ट शेडो के लिए सबको पता है कि हम यूज़ कर सकते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन, तो यहाँ से मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन का पास लेने जा रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक AO, यहाँ पे देखो एम्बिएंट ऑक्लूजन है, और आप सबको पता है कि एम्बिएंट ऑक्लूजन हम यूज़ करते हैं इन विच ब्लेंडिंग मोड, इन मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड। जैसे ही मैं यहाँ से मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड करूँगा, कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर मिलने लगेंगी, बट प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। दो तरीके हैं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है इस तरीके से ब्लेंड करने में, प्रॉब्लम आएगी, आई विल शो यू। देखो अभी कुछ नहीं दिखा है यहाँ पे, फ़र्क क्या हुआ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इधर डेप्थ की इन्फॉर्मेशन या शेडो की इन्फॉर्मेशन आ गई है, बट मेजरली यहाँ पे मेरे को कोई कॉन्टैक्ट शेडो की इन्फॉर्मेशन नहीं है। या क्यों? क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट शेडो जो है वो ग्राउंड पर बनना चाहिए, राइट? ग्राउंड पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट शेडो नहीं बन रहा है, तो वो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकली मैं यूज़ करके बताता हूँ किस तरीके से हम अगर यूज़ करेंगे तो शायद हमारा काम हो जाएगा। तो लेट मी डू शो यू वन मोर थिंग ओवर हियर। जैसे मैं नॉर्मल, आप बोलो कि एक बैकग्राउंड में लेके डायरेक्टली आप ब्लेंड कर लीजिए एम्बिएंट ऑक्लूजन को, यहाँ से मैं ब्लेंड करता हूँ मल्टीप्लाई, सॉरी, इन मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड। आप बोलोगे यहाँ पे परफेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट ऑक्लूजन मिलने लगा है, राइट? बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे देख लीजिए प्रॉब्लम आपको इधर। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए छोटी सी टेक्निक यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ मैं एक, और यहाँ से एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ, और कॉन्स्टेंट का जो कलर रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली मैं इधर से ही लेता हूँ, ताकि मेरे को एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये सेम कलर लेने के बाद आप, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज़ इट एज अ RGBA, और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ अपने कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन के साथ, ठीक है? इसको स्वैप कीजिए, सॉरी, वन सेक, शिफ्ट एक्स। जैसे ही मैंने इसको स्वैप किया, आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्लैक या अल्फा की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अब आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। अब जब ब्लेंड किया है हमने, तो आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें कॉन्टेक्ट शेडो भी यहाँ से मिल रही है, राइट? तो इससे क्या होगा, लेट मी शो यू। अब जो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन लेंगे यहाँ से, राइट? अभी देखो, अभी क्या परफेक्टली आपको कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन यहाँ पे मिलने लगा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, वो किस वजह से आ रही है मैं आपको बताता हूँ। जो हमने मर्ज किया है उसमें हमने आउटपुट RGBA रखा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, कोशिश करते हैं, देखते हैं इसे ठीक होता है कि नहीं, नहीं होगा तो हम और भी तरीके यूज़ करेंगे। RGB बहुत तरीके हैं हम लोग के पास उस
चीज़ को फिक्स करने के लिए सिर्फ एक तरीका यही नहीं है कि हाँ ये तरीका हम यूज़ करेंगे तो परफेक्टली फिट हो जाएगा या नहीं होगा, तो और भी तरीके हैं हमारे को यूज़ करने के लिए, मैं बताता हूँ आपको। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ ये बहुत परफेक्ट कॉम्प नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताया है मैंने कि जिस तरीके से आप पासिस को लेके शुरुआत कर सकते हो। मैं डेफिनेटली इसके बारे में और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन बनाने वाला हूँ। एक बार परफेक्ट मैं पासिस कॉम्प करने के बाद, परफेक्ट रेंडर करने के बाद, परफेक्ट हर चीज़ करने के बाद मैं एक कॉम्प ज़रूर से बनाऊँगा। बट ओवरऑल आपको एक आइडिया हुआ होगा यहाँ से कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपने माया से रेंडर करने के बाद किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे कि थोड़ा सा कॉन्टेक्ट आपको और यहाँ पे इंक्रीज़ करना है तो सिंपल यहाँ पे जाएं यहाँ पे और एक ग्रेड नोड लें, यहाँ से ग्रेड नोड, और ग्रेड नोड में हम लोग क्या करेंगे गामा थोड़ा सा कम कर देंगे, तो आप देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन और आपको परफेक्ट मिल रहा है, राइट। ऑलमोस्ट हम लोगों ने ऐसे मैच कर दिया है यहाँ से। और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो डेफिनेटली ये कैमरे के साथ मूव करेगा परफेक्टली, राइट। मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ही कैमरे के साथ ही परफेक्टली मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सेम कैमरा जो हमने कैमरा ट्रैक किया था उसी कैमरे से हमने रेंडर किया है माया में। तो ये एक मेरा छोटा सा एग्जांपल था ये दिखाने के लिए किस तरीके से हम लोग लाइव और सीजी को मर्ज करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे लेफ़्ट साइड का जो आप ग्लास देख रहे हो बिल्कुल डेड लग रहा है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन बन रही है वैसा ही रिफ्लेक्शन इधर भी आना चाहिए, क्योंकि अगर इधर की कास्ट देखोगे तो उसमें भी रिफ्लेक्शन वैसी है। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, मैंने जस्ट ये 2 घंटे में सारी फाइल्स बना के माया में डाल के रेंडर करके जस्ट आपको मैं दिखा सकूं, क्योंकि बहुत दिन से हमारे चैनल पे कोई भी अपडेट नहीं था, सिर्फ उस चीज़ के लिए मैंने अपडेट किया है ताकि एक प्रोसेस पता चल सके। सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे अब जब मैं इसका फाइनल रेंडर निकालूंगा अर्नोल्ड से, मतलब माया से, तो सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से लाइव प्लस सीजी बिल्कुल एकदम इंटीग्रेट करेंगे, ताकि ये लगे नहीं कि सीजी फील दे रहा है। जैसे अभी हमारा कार जो है बहुत सीजी फील दे रहा है, मैंने कोई कलर करेक्शन नहीं किया है, मैंने कोई भी ब्लेंडिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है। तो अभी आप देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से कार हमारा यहाँ पे मैच हो गया है मूवमेंट के साथ, ठीक है। अब जैसे सिर्फ 25 फ्रेम, जैसे मैंने बताया सिर्फ 25 फ्रेम मैंने रेंडर किया है, तो ये आप अगर देखोगे तो बिल्कुल मैच हो गया है। एजेस पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगेन आई एम सेइंग मैं एजेस कोई भी मैंने काम नहीं किया है अभी, एजेस थोड़ा सा ब्लर करना है, थोड़ा शार्प भी है, ये बहुत चीज़ें करने को बाकी हैं। बट मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया जिस तरीके से आप इसको यूज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना सीजी मर्ज हो गया है। फिनिशिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा प्रोबेबली, बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं जस्ट आज ही लौटा हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली होगी कि किस तरीके से हम लोग लाइव और सीजी मर्ज करेंगे। ये ऑल्दो ये सिर्फ 10% भी नहीं है हमारे काम का, मैं बिल्कुल ऐसा शॉट को बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कोई भी, जैसे 3 कार खड़ी है वैसे ये 4थी कार खड़ी है वैसा ही लगेगा। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू दैट। सो फिलहाल मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि मैं कुछ डिटेल नहीं करना चाहता, ताकि डिटेल में हम तब करेंगे जब हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट रेंडर, मतलब माया से रेंडर मेरे को मिलेगा, तब मैं फाइनल इसका शॉट फाइनल कंप्लीट करना चाहूँगा। बट आप अगर जो भी मैंने टेक्निक बताई है उसमें अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये मेरे को डाउट है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा उसका सॉल्यूशन देने की। तो विद दिस सेड, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे इन फ्यूचर और ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो विद दिस सेड, दिस इज़ VFX Vibe साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।